हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दुग्ध आहार योजना अधर में लटक गई है। सरकार ने स्कूलों में दूध पाउडर जो सप्लाई कर दिया है, लेकिन गैस और बर्तन न होने की वजह से छात्रों को दूध मिल नहीं पा रहा। सरकारी स्कूलों में सरकार की दुग्ध आहार योजना शुरू होने से पहले ही लटक गई है। गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों में सरकार ने मिल्क पाउडर तो वितरित कर दिया, लेकिन स्कूलों में गैस सिलेंडर और बर्तन न होने की वजह से ये योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही। आपको बता दें कि सरकारी आदेशों के बाद पहली से आठवीं तक के सभी छात्र छात्राओं को हफ्ते में तीन दिन सोमवार और मंगलवार को छोड़कर 200 ml दूध देने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में वीटा का मिल्क पाउडर सप्लाई भी कर दिया है। लेकिन स्कूल में सरकार ने गैस की व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण बच्चों को दूध देने में असुविधा हो रही है। हालांकि प्राचार्यों ने अपने अधिकारियों को इस संबंध में लिखित शिकायत की है। ऐसा सर, हमारे को अगर कोई डिमांड आती है तो उसको हम ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा के, हेड ऑफिस तक पहुंचा के, उनके जो भी चीज रिक्वायरमेंट है ऊपर। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि SNC में साथ में इन्वॉल्व है, SNC को पता, तो वो पूरी हेल्प करके अगर कोई, वैसे तो स्कूलों में भिगोने हैं, फिर भी अगर इमीडिएटली कोई जरूरत पड़ जाती है तो SNC की मदद से उसको लेकर, और बच्चों को जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको हर हालत में पूरा किया है। गुरुग्राम के जिला शिक्षा अधिकारी इस योजना को लेकर खासा उत्साहित है। उनका मानना है कि मिड डे मील की तरह अब दूध देने की योजना से एक तरफ जहां छात्रों में स्कूल आने के प्रति ललक जगेगी, वहीं बचपन हुष्ट पुष्ट होगा। हालांकि जब स्कूलों में गैस सिलेंडर न होने की बात पूछी गई, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बड़े अफसरों को इस संदर्भ में सूचना दे दी गई है और बहुत ही जल्द स्कूलों में गैस और बर्तन की व्यवस्था कर ली जाएगी। सर, जो सरकार ने अभी हाल ही में 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को दूध पिलाने की योजना बनाई है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो दूध को, पानी को गर्म करने के लिए स्टील के बर्तनों को इंतजाम नहीं है स्कूलों में। और जो पहले अपने स्कूलों में मिड डे मील बनता था, उसके लिए वहाँ पर गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ चालू था, लेकिन तब से स्कूल द्वारा सप्लाई बना बनाया भोजन सप्लाई किया जा रहा है, तब से ही वो सिलेंडर जो है वो यूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कापियाँ बंद पड़ी है और स्कूलों में गैस नहीं। छात्रों को उचित पोषाहार देने के मकसद से सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में दुग्ध आहार योजना शुरू की है। इस योजना से शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि जो छात्र स्कूल नहीं आते वो भी अब स्कूल आएंगे और पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारेंगे। गुरुग्राम से टोटल न्यूज़ के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट।